Today we will start the second part of forms of business, which is from your chapter 2, that is joint Hindu family business. As the name suggests, joint Hindu family business, that means this business is related to Hindu family, that is joint. So joint Hindu family means Hindu undivided family. Joint family किसको कहते हैं, जहां पर parents और सभी भाई और उनकी फैमिली सब साथ में रहती है. तो एक होती है आपकी न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है ज्वाइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में खाली पेरेंट होते हैं और बच्चे होते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में पेरेंट्स भी होते हैं, सभी भाई वगैरह भी सब साथ में रहते हैं. सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू लॉ. In this type of business, the business is controlled and managed by one family. The whole family controls and manages the business. Whereas the control of decision making is with Karta, the head of the family. That is the eldest person of the family. वो करता होता है और वही business के सारे decisions लेता है. बाकी जो members होते हैं, they are called co-partners. They get their membership by birth and they have equal share in the property of the business, property of the family. Continuously three successive generation can adopt the same business. Afterwards, whatever the formalities to be made, that will be made and they can continue the business. So this is what about joint Hindu family business. Now features. Features, as we see, formation. For joint Hindu family business or Hindu undivided family, the business can be started very easily. There should be at least two members in the family and successful property to be inherited by them. If you want to start a joint Hindu family business, you need at least two members. कम से कम घर के दो member हो और वो दोनों member एक common property share कर रहे हैं, उनके पास property भी हो, तो ऐसे लोग अपने लिए joint Hindu family business start कर सकते हैं by Hindu law. The business does not require any agreement as membership by birth. It is governed by the Hindu Succession Act, that is 1956. So, यहाँ पर कोई agreement नहीं बनाना है partnership की तरह, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. कोई agreement की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा family में birth होती है, उसकी जन्म लेता है, वैसे वो automatically उस business का member बनता चला जाता है. तो membership by birth होती है, इसलिए कोई agreement नहीं बनाना होता है. बाकी सारे जो आपके कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इसमें होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लॉ वगैरह चेंज होता है, तो दैट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. नेक्स्ट इज अबाउट लियाबिलिटी. इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस द लियाबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. जो डिसीजन मेकर है, जो कंट्रोलर है बिजनेस का, उसकी जो लियाबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है. लेकिन जो को पार्टनर है, जो उनके बच्चे होंगे या उनके भाई वगैरह होंगे, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है. उनका जितना शेयर होता है प्रॉपर्टी में उतना ही, ठीक है. द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर ऑफ को पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. द कर्ता हाउएवर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी. देन वी हैव कंट्रोल. कंट्रोल ऑन द बिजनेस इज ऑफ कर्ता ओनली. टोटल कंट्रोल जो है कर्ता का होता है. डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता का होता है. वो चाहे तो को पार्टनर से डिस्कस कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता. इट डिपेंड्स ऑन कर्ता's विल. सो ही टेक्स हाउएवर बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर्स. लेकिन अगर कर्ता को के डिसीजन को टर्मिनेट करना है, तो जितने भी को पार्टनर है सब अगर एकजुट होकर उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं उसके डिसीजन को, तो वो टर्मिनेट भी डिसीजन हो सकता है दोनों बार. माइनर मेंबर्स, द इन्फ्यूजन ऑफ द इंडिविजुअल इन टू द बिजनेस ऑकर्स ड्यू टू बर्थ इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जैसा कि हमने कहा कि पार्टनर आप कब बन जाएंगे उस बिजनेस में, बाई बर्थ. तो जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही वो उस बिजनेस में पार्टनर बन जाता है, उसका मेंबर बन जाता है. इसलिए हमेशा जो माइनर होगा वही मेंबर बनता चला जाता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो माइनर होता है. 18 ईयर से कम है तो वो माइनर है. इसलिए एक माइनर ही जो है इसमें को पार्टनर बनता चला जाता है, बिकॉज द मेंबरशिप इज बाय बर्थ.
उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। देन वी हैव मैरिट्स। मैरिट्स में सबसे पहले यह है कि कर्ता अकेला इसको कंट्रोल करता है, कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है और वो एल्डेस्ट मेंबर होता है, सबसे बड़ा होता है, तो नेचुरली वो जो डिसीजंस लेगा वो प्रॉपर डिसीजंस होंगे, सही डिसीजंस ही लेने की कोशिश करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली फॉर द बिजनेस। इसलिए इसमें कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाती है, कंट्रोल बहुत इफेक्टिव हो जाता है। सो द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विथ हिज राइट टू डिसाइड। कर्ता को डिसीजन लेने का पूरा राइट होता है और उसके राइट को कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है, इसलिए कर्ता फ्री होता है अच्छे से अच्छा डिसीजन जल्दी से जल्दी लेने के लिए, तो इफेक्टिव कंट्रोल उसका बिजनेस के ऊपर होता है। देन कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस। अगर समझो किसी कारण से कर्ता की डेथ हो जाती है तो कर्ता की डेथ जो है इस बिजनेस को रोक नहीं सकती। जो अगला एल्डेस्ट मेंबर हो, जैसे पिताजी नहीं रहते तो बड़ा भाई सब कुछ करता है ना, ऐसा होता है हर फैमिली में। हम देखते हैं कि पिताजी की डेथ हो जाती है तो जो सबसे बड़ा भाई होता है उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, तो ठीक वही पोजिशन बिजनेस की भी होती है। जब कर्ता की डेथ हो जाती है तो कर्ता के बाद जो एल्डेस्ट मेंबर होता है घर का, हो सकता है कि कर्ता की वाइफ भी हो, मे बी वाइफ भी बनती है कभी कभी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बड़ा लड़का होता है उसको इसके राइट्स मिल जाते हैं।